एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्रोविजन आंसर की आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका चैनल पे, और इस वीडियो में मैं अपने मार्क्स रिवील करने वाला हूँ कि मुझे कितने आए हैं, और ये मैंने अभी प्रोविजनल आंसर के हिसाब से बताया है। उसके बाद जब एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा रैंकिंग के सही। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि यार मैं इतने दिन कहाँ था, मतलब मुझे इतना टाइम क्यों लग गया आने में। एक्चुअली हुआ ये था कि मतलब जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था कॉमेडी वाला, उसके बाद मैं AFMC पे रिसर्च करा था जो मैंने बताया था चार पार्ट्स में, उसमें मैं काम करा था, तो उसको मैं अभी अपलोड करूँगा, और मतलब उसके चार पांच पेंडिंग है तो मैं भी करूँगा। उसके बाद मुझे एक मोटिवेशन वीडियो पे काम करना, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आए थे, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आए थे और एक दो यूट्यूब के वीडियोस पे भी आए थे कि भैया आज अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, या भाई अच्छे मार्क्स नहीं आए इस बार, मतलब काफ़ी डीमोटिवेटेड लग रहा है और मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एक मतलब एक कमेंट में तो ये भी कहा था कि मतलब मैं भी चाहूँगा भाई तेजी से इन्जॉय कर सकूँ, तो मतलब पर इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए तो काफ़ी बुरा लग रहा है ऐसा, तो मतलब मैं समझ पा रहा हूँ। मैंने सोचा कि एक वीडियो में उस पर भी निकालूंगा जो कि काइंड ऑफ मोटिवेशन होगी पर मोर ऑफ लॉजिकल होगी, तो मैं वो बनाऊंगा। पर मैं इतने दिन क्यों नहीं आ पाया मैं बता देता हूँ। एक तो वो वीडियो के बाद क्या हुआ कि मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगा FMC में, उसमें उसे उधर टाइम लग गया। उसके बाद एक रिसेंटली मैं इस्कॉन गया था, अगर आपको इस्कॉन पता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वहाँ मैं गया था, तो वहाँ पर एक फोक प्रोग्राम होता है, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मैं इसका एक आपको ब्लॉग पूरा अपलोड करके दिखाऊंगा अभी। मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ दिनों में जैसे या तो बाय टुमारो या डे आफ्टर टुमारो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो उसमें मुझे बेसिकली मतलब इसलिए टाइम लग गया था क्योंकि मतलब मुझे उसमें जाके वहाँ पे रहना पड़ता है और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था, उसके ऊपर ब्लॉग डालूंगा तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या होता है। तो इसलिए मैं वहाँ गया था, इसलिए मेरे पास फोन वगैरह मतलब था तो, पर मैं उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता, लैपटॉप नहीं चला, मतलब आप समझ रहे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बताऊँगा क्या हुआ था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला करने के लिए। उसके बाद मैं रिसर्च कर रहा था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया करने का, तो वही मैं काफ़ी दिनों बाद रिलीज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं माफी चाहूँगा आपसे। जो AFMC सीरीज़ को मैं अभी अपलोड करूँगा, और दूसरा जो मोटिवेशन वाला है मैं वो भी अपलोड करूँगा, उसमें आपको बता दूँगा कि ट्रिक्स क्या है। मैंने उसके लिए पहले से एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं, आप आई बटन में चेक कीजिए तो आपको दिख जाएगा। अब आगे मैं बात बताऊँ आपको कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो मैं मार्क्स बताऊँ से पहले मैं ये बता दूंगा कि मुझे मैंने एक क्वेश्चन को चैलेंज भी किया है, और वो क्वेश्चन है फिजिक्स का, जिसमें अगर आपको सॉरी केमिस्ट्री का मेरा था जो क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन पेपर में 83rd नंबर पे था, जिसमें मैंने कहा था कि मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी दी थी विविध भारती की ऑल इंडिया रेडियो की, जिसमें वो कह रहे थे कि आपका मतलब विविध भारती उसकी उसका आई थिंक 1368 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो उन्होंने पूछा कि वेवलेंथ कितनी होगी, तो उसमें 219.2 एंड 219.3 ये दोनों ऑप्शन थे। तो मैंने सोचा कि यार मतलब ये तो मतलब मुश्किल लग रहा है यार, ऐसे आप कैसे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया था मुझे कुछ 219.29 या 28 कुछ ऐसे आया था, 29 अब आगे करते हुए मुझे लगा यार अप्रॉक्सीमेट करें या ना करें, क्योंकि उन्होंने अप्रॉक्सीमेट करने के लिए कहा नहीं था, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो यही है ना कि आपको जो पहला रिजल्ट आया डेसिमल के बाद आप डायरेक्टली उसको पुट कर दो। मैंने यही एक्सप्लेनेशन लेके मैंने लिखा है NTA को, मुझे मतलब 1000 रुपये भी पे करने पड़ते हैं, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, खैर मैंने उसको लिख दिया है, देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ होता तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैंने लिखा कि आप दोनों ही सिलेक्ट कर लो ऐसा, तो 0.2, 0.3 दोनों ही, पर 0.2 को हटाओ मत, देखते हैं क्या होता है। तो दैट वॉज दी होल थिंग, मैंने इसके लिए कंप्लीट किया है, एंड द मार्क्स विच एक्चुअली आई एम गेटिंग, अगर मैं हर चीज़ बता दूँ तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दी प्रोविजन आंसर की आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन 660, मुझे उससे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि आना चाहिए, बट वंस आई गेट द प्रॉपर आंसर की आपको रिजल्ट बता दूंगा कि क्या है। तो अभी उसके लिए मैं उसके अलावा मैं आपको AFMC की वीडियोस अभी अपलोड कर दूंगा जो बचा हुआ है, और एक मोटिवेशन सेशन भी डाल दूंगा और इस्कॉन का ब्लॉग डाल दूंगा, ये तीन चीज़ें मुझे याद रहेंगी, इस्कॉन का ब्लॉग, AFMC वाला और मोटिवेशन वीडियो। उसके बाद क्या अभी वीडियोस कंटिन्यू रखने वाले रखेंगे, हो सकता है अभी बीच में फिर से थोड़ा गैप आ जाए क्योंकि अभी फैमिली वगैरह के साथ हैं, फिर एडमिशन का हो जाता है काउंसलिंग, अभी एक और कहीं जाना है, तो इन चीज़ों को माइंड में रख के मैं बता रहा हूँ कि कुछ हो सकता है टाइम लग जाए, थोड़ा वीडियो लेट से आए, मतलब देरी से आए, बीच में डिले ज़्यादा हो जाए, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यूसली लाता रहूँ उसको, और दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उसके अलावा आप मुझे जरूर बताएं कि आपके कितने आ रहे हैं, ताकि हम देख सकें आपको कमेंट्स, देखो फायदा क्या होगा ना आपके बताने का कि आप डालोगे, वैसे हर कोई डालेगा, जब देखो पहले आपको शुरू करने वाले मुझे इतने आ रहे हैं, इस अगर हर कोई डालना शुरू करेगा तो फिर आप खुद ही देख सकते हो कि अच्छा ओवरऑल कितने बच्चों के कितने आ रहे हैं, तो इट कैन बी अ वे ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, तो आपको ठीक लगे तो आप भी डाल सकते हो कितने आ रहे हैं, मैंने तो बता दिया। And that was all for this video, guys. I hope you liked it. आप ना कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा, मतलब आपको कितने आ रहे हैं ये, आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।